अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमत हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर में एक बड़ी मैसिव कैंपेन चली जो कई हफ़्तों से चल रही है और वो है एंटी इंक्रोचमेंट की, जहाँ हमने दिखाया आपको कि मुस्तकिल से टेम्पोररी तमाम इंक्रोचमेंट को एक दफ़ा साफ़ किया गया, लेकिन वहीं पर दोबारा उन्हीं बाज़ारों में जिसे साफ़ किया गया था कॉरपोरेशन की तरफ से, LDA की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के प्लान्स की तरफ से, अब वो दोबारा से सर उठाने लगे। वो जरासीम जो हमारे जहनों में बैठ चुका है, हमारे दुकानदारों के जहनों में बैठ चुका है कि जब तक तजावजात नहीं करेंगे, अपनी दुकान की हदूद से बाहर नहीं आएंगे, शायद हमारा कारोबार नहीं चलेगा। अब LDA का कैंप भी मौजूद है, लोग भी हर मार्केट हर बाज़ार के बाहर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दोबारा से वो जो मशरूम ग्रोथ इन इंक्रोचमेंट्स की है वो दोबारा होना शुरू हो जाती है। वो आपको दिखाते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है और क्यों हम इतना मुश्किल समझते हैं कानून की पासदारी करना या कानून को फॉलो करना। इस पर आम शहरियों की राय क्या है वो भी आपको बताएंगे आज मेरे साथ। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहैसियत पाकिस्तानी, चाहे वो ताजर हैं चाहे हम एक आम शहरी हैं, क्या हमारे लिए बहुत मुश्किल है कानून को फॉलो करना, ये रियलाइज करना कि अगर कोई गलत काम है तो वो हम ना करें? असल में कानून यही है, ये सख्ती करें, इसी को कहते हैं कानून। सख्ती करेंगे तो उनको, दुकानदारों को उतना ऑर्डर दे दें, उतना यानी सिस्टम बना दें कि भाई आपने इस हदूद से बाहर नहीं आना। वो सिस्टम मौजूद है? हाँ, वो मौजूद है, वो लाओ नहीं है, हम पाकिस्तान में लाओ नहीं। ये जितने भी कॉरपोरेशन के आदमी इधर उधर से हैं, ये सब मिली भगत से काम निकाल रहे, पीछे से ऑर्डर डीसी का आता है, वो बेचारा उधर बैठा हुआ है, इधर मैडम भाग रही है, कहीं कोई कुछ भाग रही है, ये सारा गरीब आदमी है और किसी के सलाम दुआ वाले होते हैं, किसी का जानने वाला होता है, ये मजबूर होते हैं। लेकिन कानून ये पास होना चाहिए पीछे से। कानून मौजूद है, हम कोई दो तीन हफ्ते पहले आए यहीं इचरा बाजार में, ये सारा का सारा कॉरिडोर खाली था। जी जी, आज हम कुछ हफ्तों बाद आए हैं, फिर से वो स्टॉल बार लगे हुए हैं, ये दुकानों के बाहर चीजें लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये तो गरीब आदमी है, ये दुकानदार है, इनको हदूद दे दें, दुकानदारों से आप ले जो बात है। तो इसका मतलब है कि फिर दुकानदार का या तो आप पूरी पाकिस्तान में जैसे टांगा घोड़ा आपने बंद किया, डेयरी बंद कर दो, ठीक है, फालतू चीज़ें बंद कर दो, ऑर्डर आप कर दो, कोई भी चीज़ कर दो। ये ऐसे नहीं है कि आप आएंगे रोज़ इस दुकान को बंद करते हैं 10,000 रुपया चलान हो जाता है, ये बेचारे ने एक महीने में 10,000 नहीं कमाया, ये कहाँ से पूरा करेगा? हाँ, लेकिन वही 10,000 आप बचा सकते हो ना अगर आप कानून की पासदारी करो। आपका क्या कहना है इस पर, जिनके पास दुकानें हैं खासतौर पर, वो भी 6-6, 8-8 फुट अपनी दुकान से बाहर, अपनी हदूद से बाहर सामान लगा कर बैठे हुए हैं। पिछले दिन ऑपरेशन हुआ था, साफ कर दिया, दोबारा से शुरू हो गया, क्या ज़हनी तौर पर वो तजावजात का जरासीम बैठा हुआ है? असल में बात यह है कि हुकूमत को चाहिए पहले गरीबों का बंदोबस्त करें, रेहड़ी वालों को उठा दिए, पहले इनका मुस्तक जगह हो जाए, इनको जगह प्रॉपर जगह नहीं देते, ये गरीब को, ये गरीब मतलब गरीब को ख़त्म कर रहे हैं, गुरबत नहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपकी ये बात बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो रेहड़ी वाले हैं, जो स्टॉल्स वाले हैं, उनको एक प्रॉपर जगह दी जाए। बैंड पहले लाहौर छोटा था, आपको कुछ नज़र नहीं आता था, अब लोग बाहर से ऐसे आ रहे हैं जैसे यही सऊदी अरबी है, यही दुबई है, पठान लोग, अजनबी लोग, ये देहातों से लोग आके इछरे लाहौर में कहीं भी ग्वाल मंडी में इधर उधर काम कर रहे हैं, ये इनके कारोबार फैल गया हुआ है। या तो आप कोई ऐसा कानून पास करें भी मुल्तान का आदमी लाहौर में दाखिल होगा, परमिट लेके आए भी दो महीने के लिए, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सब पाकिस्तानी है, ना ना ना, ये कोई भी है तो पाकिस्तानी में काम कर सकता है। मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ, सऊदी अरब में निज़ाम था कि आपने मक्का से जद्दा जाना है तो आपने परमिट देना है, भाई 3 महीने के लिए आप मक्का में स्टे कर सकते हो। ये चीज़ें उनके कानून के हिसाब से सही हैं तो हमारे कानून के साथ, हमारे यहाँ पर सिस्टम ही बड़ा, देखिए हमारे यहाँ पर सिस्टम ही बड़ा। आप मानती हैं, आपसे आज से 30 साल पहले चले गए लाहौर, क्या था? आप कह रहे हैं गुंजान आबाद हो गया, लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर की है, प्लान की आपने हड़ताल कराई है, ये हड़ताल ही है एक किस्म की। टमाटर 350 रुपए किलो चला गया, आलू 250 रुपए किलो चला गया, ये गरीब आदमी 250 रुपए का एक किलो आलू लेके खा रहा है तो वो कैसे गुजारा करेगा? आप क्या कर रहे हैं? पहले तो सिस्टम बनाने की, आप किधर लेके जा रहे हैं, आप मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? आप बैठे इतफाक करें भी, आपकी बारी है, हमें 5 साल दे दो, 5 साल के बाद हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें ना छेड़ें, इनको करने तो दो कुछ।
ठीक है, सियासत की नज़र में मुतासर जो है वो आवाम ही होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके, क्या करते हैं आप? मैं कुक हूं, खाना बनाता हूँ। खाना बनाते हैं, कहाँ पे? यहीं पे काम करते हैं, हॉस्पिटल में। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे ही फिरने आए हुए हैं। मुझे बताएं, इचरा बाज़ार पिछले दिनों साफ कराया गया, आज हम बात कर रहे हैं तजावुज़। पहली बात, जब मैं भाई की बात सुन रहा था, ये कहते हैं जी मुल्तान के लोग इधर आए हैं, ये उधर के लोग उधर आए हैं, ये मुझे बताएं वो पाकिस्तानी नहीं है? मैंने देखो, मैंने उनको काउंटर किया ना, मैंने कहा ये नहीं पाकिस्तानी, कोई कहीं भी जा सकता है, मैं मुल्तान जाके काम कर सकती हूं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बढ़िया बिल्डिंगें बना लेते हैं, ये पार्किंग क्यों नहीं बनाते? तो बिल्डिंग वालों को पकड़ना चाहिए, बिल्डिंग वाले को, बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ। बिल्डिंग वाले नीचे बेसमेंट में भी दुकानें बना रहे हैं, बेसमेंट में इन गड्डियों वाले को पार्किंग दें। अब तो हो गया ना, मेरी जो बात हो गया, नहीं तो ये गलत बात, असल सबसे बड़ी बात ये बिजनेसमैन की है, क्यों ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, इनको चाहिए इनकी पार्किंग भी बनाए, इनके लिए फायदेमंद है। ये आधा रोड कम से कम गाड़ियों ने बंद किया हुआ, सही कह रहे हैं, गुजरने वाले जिसका सफर है 5 मिनट का, कम से कम 20 मिनट में सफर कर रहा है, तो इसका मतलब जिसका जो फर्ज है वो नहीं पूरा नहीं कर रहा, वो कोई अपने कानून को फॉलो नहीं पूरा कर रहा। मैं आपको गलत कह रहा हूँ, तुम मुझे गलत कह रहे हो, अपने आप गिरवान नहीं जाती बात है। सही कह रहे हैं, अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपकी, आपकी दुकान है? नहीं नहीं, मेरा नहीं दुकान है, मैं तो। अच्छा, आप वैसे ही आए? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। 3 हफ्ते हम पहले आए यहाँ से, ये सारा साफ किया हुआ था आपने ना, उठाया हुआ था, आज फिर स्टॉल बार लगा हुआ है। खैर, ये तो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा। कैसे रिलीफ देना पड़ेगा? कि सड़क पे दुकानें लगा लो। सड़क तो नहीं लगाया हुआ, अंडरपास के अंदर लगाया हुआ ना, अंडरपास के अंदर लगाया हुआ है। फुटपाथ मेरे आम आदमी के पैदल चलने के लिए जगह है, आम आदमी के पैदल के चलने, तो ये सारा फुटपाथ खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो जब एलडीए वाले आते हैं फिर क्यों उठाते हैं? एलडीए वाले आते तो फिर उठाना पड़ता है, हम भी मजबूर है ना, हम क्या करें, दुकान का किराया देना पड़ता है ना। ये आपका स्टॉल है? कानून सिर्फ हमारे पे नहीं, कानून अगर हो तो फिर पूरा पाकिस्तान, ये हमारा कौन सा दुकान भी आपकी, स्टॉल भी आपका जी? कि आप किराया देते हो दुकान वाले? नहीं, हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह दुकान है, ये सारा पूरी दुकान है। और ये स्टॉल किसका है? ये भी हमारा, ये भी खुद ही लगाया हुआ है, ये वाला सारा अपना। एलडी वालों को पैसे देते हैं? नहीं, पैसे क्यों देते हैं? अभी बैठे हुए हैं वो वहाँ पे, फिर छापा मारेंगे, क्या करोगे? जब आएगा तो उठाया जाएगा सारा चीज, वो उठा के ले जाएगा? नहीं, हम उठा लेगा अंदर। मतलब हमने कानून तोड़ना ही तोड़ना? नहीं, तोड़ने की बात नहीं, अगर कानून हो, कानून पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, सिर्फ इधर इशरी की बात नहीं है, कानून पूरे पाकिस्तान में कहीं। मैं तो हर बाजार की बात कर रही हूँ, हर बाजार नहीं, किसी बाजार में अगर बाजारों की बात हो, इतना मानते हो कि ये गलत है? इतना मानते हो कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है, मेहमान हो, टाउनशिप भी लग रहा है, टाउनशिप में लोगों ने रोडों भी पूरा पूरा लगाया, ज्यादती की हुई है, ज्यादती है। अगर ज्यादती हो ना, हक की बात हो, कानून की बात हो, तो उधर भी साफ करना चाहिए ना, सिर्फ इशरे की बात नहीं है। अनारकली साफ कर दिया, बागवान जगह भी नहीं साफ है, सदर बाजार लग रहा है, टाउनशिप लग रहा है, कौन सी जगह साफ हुआ? आपने भी तो लगा लिया ना? हमने लगाया हुआ, अंडरपास के अंदर लगाया हुआ, लोगों ने रोड के ऊपर पूरे पूरे बकिया तड़े लगाए हुए वो, तो इसका मतलब कोई ये गलत करेगा तो आप भी करोगे? नहीं, हम गलत क्यों करेगा, माफ करे, गलत वाला बात, गलत वाली बात देखो, बुरा होना चाहिए ना। मुझे आप मिसालें दे रहे हो, फलां गलत कर रहा है, फलां गलत कर रहा है, गलत तो आप भी कर रहे हैं ना। आप कानून की बात करें तो आपको कह रहे हैं कि कानून फिर बुरा होना चाहिए ना। कानून तोड़ रहे हैं, आप भी तोड़ रहे हैं। नहीं, हम क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़ ही रहे हो ये, तोड़ने की बात हो तो फिर हम उधर लगा लेगा, तो तोड़ने की उधर लगाओगे तो फिर तो पुलिस ही उठा के ले जाएगी ना, ये डर थोड़ा बहुत मौजूद है। लेकिन अभी एलडीए वाले आएंगे, आपने खुद का आप सामान अंदर ले जाते हो, वरना वो उठा के ले जाते हैं, वरना वो उठा के, मतलब आपको पता ही है गलत है। बिल्कुल, चले मान गए हैं कि जी गलत है, लेकिन करना हमने है, और हमने उस पर अपना पूरा फोकस भी रखना है कि हमने इसको गलत तरीके से स्टॉल्स लगाने हैं। यहाँ कौन है, या आप है? अस्सलाम वालेकुम, कौन है, या किसकी दुकान है? पूछना चाह रही हूँ सिर्फ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एलडीए वाले आते हैं ये स्टॉल आप उठा लेते हैं, आज आपने फुटपाथ के ऊपर लगाया हुआ है? नो कमेंट्स। हैं, एक तो कानून तोड़ रहे हैं, ऊपर से फुटपाथ के ऊपर स्टॉल लगाया हुआ है, और मुझे कह रहे हैं नो कमेंट्स। एलडीए वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, ज़रा उनसे कमेंट्स लेते हैं हम कि उनका क्या कहना है इस बारे में। ये अच्छा है वैसे, पॉलिटिशियंस की तरह, सेलिब्रिटीज़ की तरह आपसे कोई सवाल पूछे और आपको कोई ये कहे कि आप गलत जो है वो काम कर रहे हैं, कानून तोड़े हैं, तो आगे से आपको जवाब मिलेगा नो कमेंट्स। एनीवेज जी, अभी यहाँ पर आपको दिखाते हैं, पहले यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, अब इन्होंने क्या किया है कि उसी पैदल गुजरने वाली जगहों पर, पार्किंग की जगहों पर, बाइक्स के ऊपर जो है वो अपनी चीज़ें रखकर बेच रहे हैं। अच्छा, इनकी मैं समहाउ थोड़ी सी, मुझे इनसे हमदर्दी भी होती है और मैं सपोर्ट भी करती हूँ कि ये बेचारे लोग दुकान का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि अपना गुजर बसर जो है वो इस तरह हैंगरों के ऊपर सामान डालकर, चीज़ें डालकर जो है वो बेचते हैं। इनके लिए मैं हमेशा गवर्नमेंट से बात करती हूँ कि इनको कोई अल्टरनेट जगह देनी चाहिए, इनको कोई मुतबादल जगह अलॉट कर दें,
ताकि ये लोग अपने स्टॉल्स वहाँ लगाएं और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। दुकानों वालों के लिए अलबत्ता कोई डिस्काउंट और कोई उनको छूट नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद भी अगर 8 फुट बाहर का पूरा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है और किसी को किराए पर दिया हुआ है और गवर्नमेंट की जगह से किराया रिसीव कर रहे हैं तो वो जगह टैक्स और बदमाशी होती है। बहरहाल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हम असल में दिखाना चाह रहे हैं जो भी एलजी वाला ट्रक होता है, दिन में कितनी बार चेक करेंगे? ये तकरीबन 2-3 बार होके जाते हैं। 2-3 बार होके कई हफ्तों से ये कैंपेन चल रहा है। जी जी जी, ऐसे है। आपकी दुकान जैसे माशाल्लाह पहले ही बड़ी है, माशाल्लाह जैसे है। जी जी, लेकिन जो दुकानें पहले बाहर सामान लगाती थी वहीं आता, हां जी, नुकसान था, ऐसे ही है। नुकसान था जी जी, बेहतर हो गया। आपको लगता है लोगों ने अब अपना माइंड बना लिया कि अब यही है? नहीं, माइंड किसी ने भी नहीं अभी बनाया, वो तो अभी मजबूर हैं इस वजह से कि वो भाई जिन्होंने स्टॉल वगैरह लगाने हैं वो कहाँ जाएंगे फिर, वो भी मजबूर हैं कि गवर्नमेंट की वजह से अभी वो लगाने नहीं दे रहे हैं। सख्ती की है वह अच्छी चीज़ है जी। हाँ जी, अच्छी चीज़ है जी जी, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। ये मिली भगत चल रहा है अभी तक जो है ना, ये मिलजुल के काम करें किस। हाँ जी, ऐसे ही है। कोई जिसका हाथ डल रहा है वो हाथ नहीं लगा रहा उसको, जिसकी बात नहीं है उसको उठा के ले जाते हैं, उसको जुर्माना कर देते हैं, कुछ लड़कों को उठा के ले जाते हैं। हल जी जी जी, खुद एहसास कोई भी नहीं करता इस दौर में। आपको भी पता है कि हर बंदा छीन के खाने वाला हिसाब है इस टाइम, जो जितनी गवर्नमेंट सख्त हुई हुई है, जितना यानी कि महंगाई हुई हुई है, हर तरह से आपको नज़र भी आ रहा है, पता भी चल रहा है हर बंदे को। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन बात वही है कि बिल्ली चूहे वाला खेल जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और सामान बाहर लगाया होता है फिर अंदर लगा लेते हैं। यहाँ पर एक साहब जो है वो बेडशीटें बेच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। इधर आ जाएं, 2 मिनट बात करूंगी। क्यों क्यों नहीं करेंगे? मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रही हूँ, बाजार खुला होने से आपको फायदा हुआ कि? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। फिर भी आप फुटपाथ पे सामान रख के बैठे हैं, तो वैसे दुकान की हदूद में ही, लेकिन वैसे ही बाहर खड़े हैं, बट ये यहाँ तक आया हुआ ट्रक ना फिर? नहीं नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे, हम नहीं लगा रहे, और डर के हम बात भी नहीं कर रहे। और ये जो बाज़ार है, ये यहाँ पर सिंगल गुजरने वाली जगह होती थी। इन भाई से की करांगा, क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का, तबीयत ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताएं, ये जो लास्ट ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे इंक्रोचमेंट का, उसके बाद से अब तक बाज़ार अभी खुला ही है, ये अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या क्या लगता है? अभी आप समझते हैं, आप भी इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, बुरी बात ही है, सही बात तो नहीं? ये रिजक मारे हैं बच्चों के लिए, कौमी इधर कोई ऐसा वैसा काम तो है नहीं, सारे दुकानदार अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए रिजक मारे हैं। ये बुरी बात है कि ये बंद करवाना, खुलवाना और ये सील करना, ये नामनासिब बात है। इसमें इधर कोई इतजाज या इसमें कोई समझ लें कि किसी की पार्टी का कोई मामला तो है नहीं, जो पार्टी का मामला, तो ये दुकानदार अपने बच्चों का रिजक मारे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है कि आप ये इसको बंद करवा दें, खुलवा दें। नहीं, बंद करते क्यों हैं? सड़क पर स्टॉल लगाने की वजह से, जो आपकी जगह नहीं है अपनी हदूद से बाहर सामान रखने की? देखें, ये जब भी ये मामला तो होता है ना, जब भी ये नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, ये होता है, इस तरह ही है। नवाज शरीफ की हुकूमत हो, इमरान खान की हो, किसी की भी हो, तजावुजात गलत है ना? सड़क के ऊपर स्टॉल लगाना, सड़क के ऊपर दुकान लगाना अपनी दुकान होने के बावजूद? देखिए, सड़क के ऊपर तो वो गलत बात है कि सड़क के ऊपर जो सा मामला है, ठीक है, ये सड़क है, ये बाज़ार की जगह है, लेकिन बाज़ार की हदूद भी होती है ना। अब ये बाहर मेन पे चले जाए, मेन पे वो कितना वो स्टैंड भी लगे हुए, गवर्नमेंट उसका भी पैसा खा रही है, फिर वो भी ना लगाएं, उनके लिए भी जगह भी दें, ये भी तो देखें ना, वो पिक एंड चूज ना करें। हाँ, पिक एंड चूज ना करें ना। फिर ये हमारे लिए फिर बेनसाबी है ना, तो वो ये थोड़ी है कि अब आप स्टैंड के पैसे खा रहे हैं। अब कौन से स्टैंड? ये बाहर जो से स्टैंड लगे हुए, आप पार्किंग देखें, जहाँ पे रोड पे पार्किंग का दिया हुआ है उसमें वो 50 भी ले रहे हैं मोटरसाइकिल का, 100 गाड़ी का ले रहे हैं, फिर वो भी खत्म करें ना, फिर एक जैसा आवाम को लेकर साथ चलें। ये थोड़ी है कि आप बाजार के अंदर एंटर हो गए हैं तो बाजार में कहें तो ये खत्म कर दें और बाहर अपना माल वो सीधा कर रहे हैं, ये तो नामनासिब है ना। ना ये होना चाहिए कि हमारे लिए जो सा ना बेहतर जो मामला था वो हमारे लिए बेहतर किया जाए कि रिजक हमने जहाँ से कमाना है, जब हम नहीं कमाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको एक हदूद सेट करके दी थी उन्होंने 4-4 फुट की, कि दुकानों के बाहर 4 फुट की लाइन भी लगाई थी, याद है? पीली पीली और लाल लाइनें लगा दी थी, आप लोग उससे भी तजावुज़ कर गए थे, जिसकी वजह से अब उन्होंने वो खत्म कर। जी बिल्कुल, देखे कुछ हमारी भी गलती है,
हम मानते हैं कि कुछ हमारी भी गलतियाँ, हम 4 फुट से बाहर, हम 7 फुट पे आ गए या 8 फुट पे आ गए हैं, ठीक है हमारी भी गलतियाँ, लेकिन कहने का मकसद है कि देखें हम इधर रिजक मारें, ठीक है हम ये 3 फुट आगे 4 फुट हमें मिल जाए तो हमें वेलन गुंडा चले, हमारा बच्चों का रिजक चल जाए, हमारे मामला जो है वो भी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो आप मान रहे हैं ना कि ताजरों की भी गलती थी भाई, यहाँ तक स्टॉल, मुझे आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन गलती है हमारी भी है, लेकिन गलती देखे ना वो भाई स्टैंड वालों की भी है, और वो 50 ले रहे हैं, वो आधी सड़क तो उन्होंने माली हुई, वो भी तो उनको खत्म करना चाहिए ना उसकी जगह। ठीक है, सही है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, नहीं है आवाम के लिए अलहदा कानून है, जो गवर्नमेंट का बंदा उनके लिए अलहदा, एक जैसा कानून होगा तो हमारा पाकिस्तान आगे चलेगा। बिल्कुल सही, एक जैसा कानून होगा और सबके लिए एक जैसा होगा तो ही पाकिस्तान आगे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। इसी दुकान पे आप यहाँ पे काम नहीं करते? इसी दुकान पे कहता हूँ। इसके बाहर भी स्टॉल लगा हुआ होता था, है ना, पहले लगा हुआ होता था, अब नहीं है? नहीं, स्टॉल उठाने से मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरी है, क्योंकि वो जेब कतरों से भी और होटिंगबाजी से भी, मगर ये है कि दुकानदार के लिए थोड़ा सा ये फुटपाथ की अगर इजाज़त दे दे तो वो उसमें कोई ना कहता। सर आप देखें कि आप भगवानपुरा बाज़ार चले जाएं, आप करीम ब्लॉक चले जाएं, आप किसी बाज़ार में चले जाएं, सड़क पर स्टॉल लगाने का पीछे वाली दुकान 35 से 50 हज़ार रुपये किराया ली, इसका मतलब वो बदमाशी और जगह टैक्स, ठीक है ना, सरकार की जगह पे आपने किराए पे दे दी, अब वो स्टॉल हट गए, मुझे उन स्टॉल वालों से हमदर्दी ज़रूर है, वो अपना रिस्क कमाते थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा है कि बाज़ार में होटिंगबाजी और जेब कतरी, ये बहुत इसका फर्क है। वो तो अभी भी निबाज आ रहे, आप देखिए सेल्समैन जिस तरह से आवाज़ें लगाकर चीज़ें बेच रहे हैं, मैं तो उसके भी बड़ा खिलाफ हूँ, मेरा अगला शो उस पर। इनको वो चाहिए कि इसके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि ये चीज़ें देखें। अगर आप खुश हैं इस कार्रवाई से तो बाज़ार खुला डुला हो गया है, खवातीन आराम से फिर? मैंने आपको बताया, हाँ बाज़ार को लेडीज़ जो आ रही हैं उनको सहूलत मिल रही है, काफ़ी अच्छा बेहतर है, मगर उसके साथ साथ ये दुकानदार को सिर्फ खाली ये फुटपाथ मिल जाए ना तो उसके साथ ये कि दुकानदार का जरा दुकानदारी का सेटअप बन जाता है, तो डिस्प्ले का सेटअप बन जाता है जैसे पहले 4 फुट की। हाँ जी ठीक है, चलें इस पे बात होनी चाहिए कि सही है 4 फुट की जगह दे दें आपको अपनी अपनी दुकानों के बाहर जहां आप डिस्प्ले कर सकें, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर उस 4 फुट को 12 फुट ये वो भाई कह रहे हैं हम स्टाम्प लिख के दे देंगे कि 4 फुट को 12 फुट नहीं बनाएंगे। देखें हम मैम मरियम साहबा से ये कहना चाहते हैं कि आपकी मेहरबानी, खुदा रहम हमारे पे रहम किया जाए, हम 4 फुट पे हम दे दें, हम स्टाम्प करेंगे 4 फुट के बाहर होंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हम। अब भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, उस 4 फुट के बाहर ना 6 फुट का, सुने 6 फुट के स्टॉल लगाने का दुकानदार कराया ले। देखे मेरी बात सुने, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 4 से हम बाहर होंगे, हमारे पे पर्चा होगा, हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 4 फुट दिया जाए, हम अपने बच्चों के लिए रिजक कमाना। ठीक है, ये इस पूरे ऑनगोइंग इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन में दुकानदार जो हैं वो अपनी रिक्वेस्ट, ये जो 4 फुट आप देते हैं ना इनको, तो ये पता क्या करते हैं आप, आपस में दुकानदार ये डिमी उठाई और आगे इतनी सी आगे लगा दी, अगर ये दुकानदार कहता यार पीछे कर लो तो ये लड़ाई करना शुरू कर देते। नहीं, लड़ाई नहीं करते, वो पता क्या करते हैं, इसने इतनी आगे की है, मैं थोड़ी और आगे कर लूँ उस चक्कर में देखें 10 फुट जो है ना वो। आपकी बात ठीक है, जैसे ये आप देखें टीम हमारे बाज़ार में है LDA की टीम, हमें 4 फुट दिया जाए, जो 4 फुट से बाहर होगा LDA की ऐसी टीम हमें दे दें, बाहर कैंप लगा दें, जो 4 फुट से बाहर होगा 6 पे आएगा उसके लिए, उसके खिलाफ पर्चा हो, FIR हो, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन 4 फुट से जो आगे होगा उसके लिए FIR। बिल्कुल सही, उसके लिए FIR देंगे, और फिलहाल मेन बाज़ार जो है, जो फ्रंट का एरिया है उसको क्लियर कराया गया है, लेकिन जैसे ही आप इनकी गलियों के अंदर जाते हैं वहाँ अभी भी वही सूरत हाल है कि दुकान 2 फुट की और सामान जो है वो 10 फुट पर पड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पर आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियर कराया जाता है कि पहले मेन रोड क्लियर कराया गया और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ों को क्लियर कराया गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पीछे आप बड़ा खुला डुला इचला बाज़ार देख रहे हैं, और ऐसे बहुत से बाज़ारों में ये हालत हो चुकी है जहाँ पर मैसिव ऑपरेशन हुआ, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ दुकानदारों के जहनों का जो जरासीम है ना कि हमने अपनी दुकान से बाहर सामान लगाना है, वो किस हद तक अफेक्टिव होता है। अभी यहाँ से ट्रक गुजर के गया, ये सारे फुटपाथ जो मार्बल लगे हुए हैं ये सारे क्लियर हो गए थे, अब फिर सामान बाहर आ गया। ये इधर जो भाई हैं ना इनसे मैं पूछती हूँ, वो खराब है। अच्छा जी, वो भाई हैं उनसे बात कर लेते हैं, दुकानदारी कर लें ज़रा। लेकिन आप ये देखें कि एक तो फुटपाथ के ऊपर पूरा मार्बल लगाकर उसको अपनी दुकान का हिस्सा बना के स्टेप बना लिया, और जैसे ही ट्रक गुजर के गया हमने क्या किया कि हमने सामान उठाकर बाहर डिस्प्ले कर दिया। फ़ायदा तो हुआ है बस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है।
जी जी आते रहते हैं, बहुत तंग था। हाँ काफ़ी इजी हो गए। कौन से आप, कौन सी न्यूज़ से? हाँ जी इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। हाँ इजी है, बहुत रश कम हो गया जी। खवातीन जो है ना, ये साहब जो है नाराज़ हो रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे रखा हुआ है भाई, देखें पाँव इसके ऊपर, देखें कैसे रखे जा रहे हैं। ये करने वाला काम है भाई का, ये आप ही के मीडिया के साथ के हैं। मुझे एक बात बताएं, फुटपाथ के ऊपर जब आप चीज़ें रखेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उसके ऊपर से ना गुजरें? मतलब आर्ग्यूमेंट करने के बजाय आप वॉक ऑफ कर गए हैं। मेरे पैदल चलने के लिए जगह है ये फुटपाथ, मेरे पैदल चलने के लिए। अगर आप वहाँ कोई चीज़ रखेंगे तो पाँव के नीचे आएगी। एक तो कानून तोड़ेंगे, ऊपर से बदतमीजी करेंगे। गलती हो गई उससे, और मेरे प्रोड्यूसर साहब सॉरी कह रहे थे, उसके बावजूद वो चीख चीख के बात कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपने अपनी दुकान फुटपाथ पे सजाई क्यों है? उठाकर अपनी दुकान के अंदर लेकर जाएं और ज़रा दुकान दिखाएं कितनी बड़ी है। उसके बावजूद ये पूरा स्टॉल जो है वो बाहर फुटपाथ पे लगा हुआ है। बात करने के बजाय सर ये क्या है, ये मेरे पैदल चलने की जगह है, यहाँ पे सामान पड़ा होगा, पाँव आ जाएगा। छोड़ दे, मैंने इंटरव्यू नहीं देना, छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ क्यों बताओ ना, क्या जरूरत नहीं है बना। तो बता, सॉरी कर रहा था ना मेरा प्रोड्यूसर के गलती से। वो क्यों है आगे से भाई के साथ? पहले बार उनको गए, आपने चीज़ लगा रखी। जब फुटपाथ पे रखोगे भाई तो फिर ऐसा ही होगा ना। तो जब एक हाँ, तो फुट का मतलब क्या है? हमारे पैदल चलने की जगह है ये। हाँ जब ट्रक आता है तो सामान उठा के अंदर क्यों ले जाते हो? अभी अभी ये यहाँ नहीं था, ट्रक गुजरे तो साथ ही बाहर आ गया। मतलब ये है वो जेनी जरासीम जो हमारी दुकानदारों के अंदर ना पनप रहा है। किधर है ये मैं? ओहो सामान उठा के अंदर ले गए कि बाजी मेरे से बात ना करें, मैं उठा के स्टूल ही अंदर रख लेता हूँ, जैसे ये जाएंगी मैं बाहर रख लूँगा। ये वो माइंड सेट है, ये वो एटीट्यूड है जो हमने दिखाना है। यहाँ पर भी यही है, मतलब अभी इनको इजाज़त नहीं है वो 4 फुट वाली। मैं इनके इस डिमांड से अग्री करती हूँ कि इनको दुकानों के बाहर 3 से 4 फुट की जगह दे देनी चाहिए, जैसे पहले दी हुई थी कि येलो लाइन लगा दें, रेड लाइन लगा दें और वो उससे बाहर ना आए। लेकिन अभी इजाज़त नहीं है, अभी ये कानून के खिलाफ, कानून के अंदर नहीं आता। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बदतमीजी करके आप सही नहीं गलती से पाँव आगे, मेरे पैदल चलने की जगह पर आप कोई सामान रखेंगे तो वो मेरे रस्ते में तो आड़ है ना। फुटपाथ किसी दुकान की मलकियत नहीं है, वो मेरी मलकियत है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की है मेरे पैदल चलने के लिए। सही है। इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद क्यों सामान सड़क पर पड़ा हुआ है? ये सड़क ही है, ये सड़क है, गवर्नमेंट की है, ये बेसिक गवर्नमेंट का है, ये तो सारा, ये सारा एरिया गवर्नमेंट का है। हमें तो सिर्फ दुकान के अंदर तक है ना, जहाँ शटर लिमिट है, जिसकी शटर से बाहर लगाएंगे वो गवर्नमेंट की है, वो किसी के बाप की नहीं। क्या हम इतना ढीठ हो गए हैं? ये हमारे जहनों में ये पनप गया है कि जब तक हम दुकान से बाहर सामान नहीं रखेंगे हमारा कारोबार नहीं चलेगा। नहीं, ये अल्लाह ताला रिज़क देना है, ये अल्लाह माफ़ करे किसी के हाथ। आप यहाँ पर काम करते हैं? हाँ जी, मैं एम्प्लॉय हूँ इधर। कहाँ, कौन सी दुकान? अच्छी। और आपका जो एम्प्लॉयर है या जो आपकी दुकान है, हदूद के अंदर ही है या बाहर? के अंदर है मेरा, बाहर नहीं है। के अंदर है ये भाई, यहाँ पर क्या हाल है सर? शुक्र सुन रहे थे आप, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ क्यों इतनी बड़ी माशाल्लाह दुकान है आपकी, आप उसका बड़ा ठीक ठाक किराया भी देते होंगे, डिस्प्ले फुटपाथ के ऊपर? ये ना एक शुरू से चलता आ रहा है, ये को अभी नहीं लग रहा है, तो जब से बाज़ार है सर 20-22 साल हो गए हम यहाँ आए हुए, कि शुरू से लग रहा है, ठीक है ना। एक फुटपाथ है जो हमारे सदर अजी शवाक साहब है, उन्होंने हमें 5 फुट दी थी। लेकिन ये सदर साहब दे नहीं सकते ना, उनके उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने ले के दी ना हमें, मगर कुछ दुकानदार ऐसे है कि वो 5 फुट से बाहर निकल आते हैं, 6 फुट पे, कोई 8 फुट पे, जिनकी वजह से पूरा माहौल ख़राब हो गया, तो जिस वजह से अब सदर साहब पीछे हो गए। उन्होंने ये कहा कि आप जब मेरी नहीं बात मानेंगे तो मैं कैसे फाइट करूँ आप लोगों के लिए, इसलिए भी 2 महीने से निज़ाम ऐसे ही है। 2 महीने से सिर्फ इछरा में नहीं है सर, हाल रोड, भगवानपुरा, पूरे शहर में हो रहा है ये, ठीक है। कहीं पे चल रहे हैं, कहीं पे नहीं चल रहे, कहीं पे बदमाशी चल रही है, कहीं पे नहीं चल रही है। अब मुझे सिर्फ ये चीज़ समझाएं कि जो 4 फुट की जगह आप डिमांड कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ उसमें, आपको डिमांड करनी चाहिए कि हमें डिस्प्ले की एरिया दे दें, क्योंकि एक कल्चर है हमारे यहाँ का शॉपिंग का। लेकिन अभी जब इजाज़त नहीं है और आप ये करें और फिर ऊपर से बदतमीज़ी भी करें और बदमाशी भी करें, जैसे अभी वो कहता हूँ जो शॉप वाले ना वो कम लगाते हैं, इधर काफ़ी दुकानदार ऐसे। आपका ताल्लुक इस दुकान से? हाँ जी, इधर काफ़ी दुकान ऐसे जो स्टॉल रेंट पे दिए हैं। अब इधर रेंट जो शॉप का स्टॉल के आकर जो लगता है ना 80,000 रुपया, 80,000 रुपये, 90,000 रेंट है। वो 2 महीने से गलियों में बैठे हुए, बाहर उन्हें सूट पकड़ा हुआ है और वो कस्टमर ले कर जा रहे हैं। अब वो मालिक तो किराया नहीं छोड़ रहा, ये तो मालिक को चाहिए किराया उनको रिलीफ दे दे, वो ना लगाएं। अब इस वजह से वो आके ना थोड़ा लगा लेते हैं ताकि हमारा सिस्टम चले जो मार्केट का, इसलिए वो उन लोगों को ज़्यादा मसला है।
लेकिन मैं एक ये समझना चाह रही हूँ, आपकी बहुत बड़ी वायलेशन नहीं है, बहुत आगे तक नहीं आया हुआ, रास्ता तंग नहीं हो रहा, लेकिन दुकान की शटर से बाहर है, आपकी दुकान की हदूद से बाहर है, क्यों? यही तो बता रहे हैं कि जिधर यहाँ पर रेंट इतनी है। आप रेंट देते हैं इनको? आप रेंट देते? आपका स्टॉल अलग है, शॉप अलग है, आप रेंट देते हैं, आपका डिस्प्ले अलग है, और अब इतनी सी जगह पे पहले ये यहाँ तक फैला हुआ था। ये जगह वहाँ तक लगाता है, इसका 90,000 पे रेंट है, अब इसमें 90,000 नहीं निकल रहा मेरा। कितना किराया देते हैं स्टॉल? इसका निकल नहीं रहा ये स्टॉल का, अब क्या करना, अभी तो घर तो बैठ नहीं सकते, अब ये लगाया हुआ चलो कुछ नहीं, ग्रैंड ही सही है, थोड़ा कम ही सही, निज़ाम चला रहे, अब वो शॉप लादा है, पूरी शॉप का 2.5 लाख। शॉप लादा है, ये वही वाली बात है, और शॉप वाले ने गवर्नमेंट का और मेरे और आपके पैदल चलने वाले फुटपाथ को 90,000 रुपये में किराए पर दिया हुआ है, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने के बजाय ना ये शॉप के मालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम बार बार ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सरकार की जगह बदमाशी के साथ, जगह टैक्स के साथ आप 90 से अभी ये 90,000 रुपये कराया, मतलब आप इमेजिन करें 1,00,000 रुपया सिर्फ एक सीढ़ी का कराया वो दे रहे हैं, और वो सीढ़ी भी दुकान की नहीं है, तो इस बदमाशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बाज़ार ज़रूर खुला हो गया, स्टॉल्स यहाँ से ज़रूर ख़त्म कर दिए, लेकिन ये जो लोगों का एटीट्यूड है ये तभी ठीक होगा जब आप ज़ीरो टॉलरेंस के साथ सख्ती करेंगे, और उस सख्ती में आप रूट कॉज को पकड़ेंगे, जो ये स्टॉल्स लगाने देते हैं, जो ये फुटपाथ के ऊपर डिस्प्ले करने देते हैं। बहरहाल आपको आगे मज़ीद भी दिखाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तजावुजात वाले लोग कह रहे थे कि स्टैंड के ऊपर बड़ी बदमाशी चल रही है, जो बिल्कुल बाहर मेन पर लगा हुआ है, और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, तो हमने कहा वो भी दिखा देते हैं। अभी अंकल से बात कर रहे थे, कहते मैं 10 रुपये लेता हूँ मोटरसाइकिल पार्क करने के, जो कि सरासर झूठ है। 20 रुपये दिए हैं। आपने कहा क्यों नहीं कि पर्ची पे 10 रुपये लिखा हुआ है, मेरे से तुम 20 रुपये? हर जगह पे यही है, इनका अपना राज चल रहा है यहाँ, हर जगह बदमाशी चल रही है। ठीक है, पकड़ते हैं ज़रा, किसी को क्या कह सकते हैं, बदमाशी चल रही है हर बस, जो जितने मांग रहे हैं वो उतने देने पड़ते हैं, बदमाशी चल रही है। ये आ गए अंकल, इनको ज़रा पकड़ लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप कस्में खा रहे थे मैं 10 रुपये लेता हूँ, वो मोटरसाइकिल वाला कहता है मैं 20 रुपये दे। बेटा मैंने 10 ली है। कहाँ? वो झूठ बोल रहा है, अभी मेरे से बात करके गया। आप वहाँ से भाग आए, कैमरे में है, आप वहाँ खड़े थे, वहाँ से यहाँ आ गए। बेटा ऐसे नहीं होता, लिखा हुआ है 20 रुपये की। बेटा ये लिखे हुए 10 रुपये, 10 ही लेंगे, हमने ज्यादा लेके क्या करना है बेटा। कल झूठ बोल के कैसे आप मुतमईन कैसे हो जाते? पास सुने, क्योंकि मैंने लिए नहीं है, अगर मैं लेता कर का ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे आपका एक दूसरा शख्स है वो ले रहा था, तो फिर मैं तो नहीं ना बेटा, मेरा मैं तो नहीं ले रहा था, मैं नहीं ले रहा था, वो ये कह रहे हैं जी। आए जरा यहाँ पर, ये वाले भाई से पूछते हैं। सलाम अलैकुम, कितने पैसे दिए आपने? 10 रुपये पार्किंग के। 10 रुपये आज 10 रुपये दिए, वैसे कितने लेते? जिससे 20 रुपये लेते हैं उसका ये हेलमेट, हेलमेट रखता है वो। अच्छा, उसके हेलमेट का ख्याल रखते हैं आप, तो वो ख्याल रखने का 10 रुपये। हाँ ये देखिए, नई लॉजिक 20 रुपये लेने की ये है कि हम उनके हेलमेट का ख्याल रखते हैं, और इस वजह से जो है हम उनका 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अच्छा, जो तो 10 रुपये स्टैंड। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये लॉजिक आप मुझे पहले बता देते। हाँ मेरे से पूछ लेते, मैं बता देता हूँ। मेक सेंस कि उन्होंने प्राइवेटली अपने स्टैंड के ऊपर प्राइवेटली ये काम शुरू कर दिया है कि किसी मोटरसाइकिल वाले ने अपना हेलमेट सिक्योर करा के जाना है, 10 रुपये दे दे उसका और हेलमेट रख जाए। समझदारी नहीं नहीं नहीं, हेलमेट इधर से गुम हो जाते हैं मैडम, तो फिर वो हमें 10 रुपये दे देते हैं, हम इसमें रख लेते हैं। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पर लोगों से भी बात करूँगी जो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, पूरी बात कर रहे हैं। कुछ मैं नहीं कुछ कह रहे, क्या कह रहे थे? हाय, एक तो लोगों में डर बड़ा है कि हमने बात नहीं करनी, हमने कुछ नहीं कहना, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि मेन रोड के ऊपर पार्किंग स्टैंड है, और ये वही वाली बात है कि जो आपने पहले जो है वो कहा था कि हम इस सारी चीज़ों को मुनज़्ज़म कर लेंगे और कोई प्रॉपर पार्किंग, और इछरे की पार्किंग के बारे में मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर बजट रखा गया कि हम ऑटोमेटेड पार्किंग स्टैंड्स यहाँ पर लगा देंगे, जो कि आए भी थे, जिस पर गाड़ियाँ लगनी थी और पूरा वो फ्लोर के ऊपर ऑपरेशनल होना था, पता नहीं वो करोड़ों रुपये लग कर इतना हैवी बजट रख कर फुल प्लानिंग के बाद वो मंसूबा कहाँ गया कुछ पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है
जो गवर्नमेंट के तमाम एक्शंस का मुंह चढ़ा रहा है कि इस बोर्ड के ऊपर टीबा की तरफ से बड़ा बड़ा पार्किंग के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि नो पार्किंग जोन है ये, लेकिन इसके बावजूद उसके नीचे जो है वो गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। क्या सिस्टम क्या है, हम तजावजात ख़त्म कराना शुरू करते हैं तो हम जो है वो इस तरह से इलीगल डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पार्किंग में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पार्किंग जो अलाउ की गई है वो दूर वहाँ पर पार्किंग का साइन लगा हुआ है, इस खंबे के नीचे जो है ना वो नो पार्किंग है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने पार्क किया हुआ है। ली पार्क वाले किधर हैं, हर चीज़ के ऊपर जब आप 20 रुपए के बजाय 30 रुपए ले रहे हो, खैर उनकी लॉजिक मुझे समहाव पता नहीं उनके जहन में आई या वो इस तरह से काम करते हैं एक्चुअली कि मुझे समहाव वो है वो जस्टिफाइड लगी, लेकिन उससे पहले जो आप 10 रुपए की पर्ची देके 20 रुपए, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप हफीज सेंटर के बाद पार्क कर लें, आप लिबर्टी चले जाएं, आप अनारकली चले जाएं, आपको कहीं पर भी मोटरसाइकिल के 10 रुपए और गाड़ी के 30 रुपए जो है वो नहीं ले रहे होंगे, वो 50 से 100 रुपए की बदमाशी वाली पर्ची जो है वो आपको मिल रही होती है। उसी तरह से इंक्रोचमेंट है, उसी तरह से कानून तोड़ने वाली बात है, इसमें शहरी भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं और जो डिपार्टमेंट सख्ती नहीं करते वो भी उसमें उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बहरहाल जी, हमारे आम शहरियों का माइंडसेट क्या है और ज़हनी तौर पर हम शायद सेटिस्फेक्शन फील करते हैं किसी भी कानून को तोड़कर, किसी भी रूल को फॉलो ना करके और उसमें जुगाड़े निकालने की कोशिश करते हैं, और उन जुगाड़ों के कितने रास्ते हैं वो आज हमने आपको दिखाया। आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।